शुक्र है अभी भी कॉम पहचानती है थोड़ा थोड़ा। तो हम कैपेसिटर्स का टॉपिक पढ़ रहे थे अगर आपको याद हो, और हमने कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर की इक्वेशन बनाई थी। कैपेसिटेंस को डिफाइन किया था, फैरेड को डिफाइन किया था, और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स से क्या मुराद है? तो बात यह है कि जब दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर हो, दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर हो और एक बैटरी हो, तो उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब ये सिंबल जिसमें दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की जाएं, दिस इज द सिंबल ऑफ अ कैपेसिटर। तो अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर हो और एक बैटरी हो, आपको पता है ये अनइक्वल लाइंस ड्रॉ की जाएं, तो दिस इज द सिंबल ऑफ अ बैटरी। तो ये बैटरी का सिंबल है, और इक्वल लाइंस ड्रॉ की जाए तो ये कैपेसिटर का सिंबल है। तो जब दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स को एक बैटरी के साथ जोड़ा जाए तो उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स दो तरह का बेसिकली होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर दो तरह का होता है, एक कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन और दूसरा कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो नाम सुना है आपने कभी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन? क्लास 10th की याददाश्त बाकी है ना, अभी डिलीट तो नहीं किया आपने क्लास 10th को? ओके, तो एक कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन और दूसरा कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। इनमें क्या फर्क है इस पे बात करते हैं। पहले आपको मैं एक इक्वेशन याद दिला दूं जो हमने कैपेसिटर्स की पहली क्लास में पढ़ी थी। क्यू इज इक्वल टू सी वी, ये तीन टर्म्स हैं, ये ट्राइंगल है, ये तीन टर्म्स की इक्वेशन है क्यू इज इक्वल टू सी वी। और याद रखिए कैपेसिटर्स के टॉपिक के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। जब भी आपको किसी कैपेसिटर के बारे में कुछ भी जानना हो तो आपको उसके बारे में तीन चीजें जाननी, एक क्यू, दूसरा सी और तीसरा वी। व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एंड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो क्यू इज इक्वल टू सी वी, और इसी से इक्वेशन बनती है सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी और v इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। तो इक्वेशन आपको ये याद रखनी है, ये ट्राइंगल आपको हमेशा याद रखना है, q इज इक्वल टू सी वी। ठीक है, अब इस इक्वेशन पे गौर कीजिए। अगर हम दो या तीन या चार या पांच कैपेसिटर्स को कंपेयर कर रहे हैं, अगर हम दो से ज्यादा दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो उन सब की कैपेसिटेंस सेम होगी या अलग अलग होगी? उन सब की कैपेसिटेंस सेम होगी या अलग अलग होगी? इफ वी हैव डिफरेंट कैपेसिटर्स, मल्टीपल कैपेसिटर्स, तो उन सब की कैपेसिटेंस अलग अलग होगी। वेरी गुड। ये बात क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि ये इक्वेशन हमने पहले पढ़ी है एक कैपेसिटर के लिए। जब एक अकेले कैपेसिटर पर हम ये इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, एक कैपेसिटर पे और कर रहे हैं, तो उस इक्वेशन में सी कांस्टेंट होता है। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज कांस्टेंट एंड क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ये केस हमने अब तक पढ़ा है, आज हम इससे एक स्टेप आगे जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे मल्टीपल कैपेसिटर्स की। जब मल्टीपल कैपेसिटर्स की बात करेंगे तो अब हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अलग अलग होगी, तो अब सी कांस्टेंट की बात नहीं हो रही। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल कैपेसिटर्स, व्हेन वी आर डिस्कसिंग कॉम्बिनेशन, जब कॉम्बिनेशन की बात होगी तो दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स की बात होगी। जब मल्टीपल कैपेसिटर्स की बात होगी तो हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिफरेंट होगी, तो सी इज नॉट अ कॉन्स्टेंट। तो अब इस इक्वेशन को डिफरेंट निगाह से देखना है। जब अकेला कैपेसिटर था तो उस अकेले कैपेसिटर का एरिया ऑफ द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स फिक्स है, तो उसकी कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, तो उसके लिए क्यू डिपेंड कर रहा था वी पर। अब कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है, अब अकेले कैपेसिटर की बात नहीं हो रही,
अब दो कैपेसिटर्स को कंपेयर कर रहे हैं या तीन कैपेसिटर्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो उन तीनों की कैपेसिटेंस क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है. तो जब उनकी कैपेसिटेंस अलग अलग है तो सी इज नॉट अ कॉन्स्टेंट. सी इज नॉट अ कॉन्स्टेंट. तो अब कंडीशंस होंगी. मसलन अगर मैं आपसे कहूं कि जनाब ऐसी सिचुएशन है कि सब कैपेसिटर्स का वी सेम है, हम तीन कैपेसिटर्स को कंपेयर कर रहे हैं, तीनों का वोल्टेज सेम है, तो अब इस इक्वेशन से जाके पूछिए Q इज इक्वल टू सी वी. हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि सबका V सेम है, तो इस इक्वेशन में क्या कांस्टेंट हो गया, क्या सेम हो गया? V सेम हो गया, V कांस्टेंट हो गया. तो जब V कांस्टेंट हो गया तो इस इक्वेशन के मुताबिक Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C. तो कंडीशन नंबर वन, जब मल्टीपल कैपेसिटर्स की बात हो, कंडीशन नंबर वन, अगर V सेम हो, अगर V कांस्टेंट हो, तो इस इक्वेशन के मुताबिक Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C. अगर तीन कैपेसिटर हैं, तीनों का वोल्टेज सेम है, तीनों की कैपेसिटेंस तो पहले ही अलग है, तीनों का वोल्टेज सेम है, तीनों की कैपेसिटेंस अलग है, तो अगर तीनों का वोल्टेज सेम हो तो चार्ज डिपेंड करेगा किस पर? कैपेसिटेंस पर. जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उसका चार्ज ज्यादा होगा. ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है, ये एक कंडीशन है. दूसरी कंडीशन पे गौर कीजिए. फर्स्ट कीजिए Q इज इक्वल टू सी वी. हम कहते हैं कि कंडीशन ये है, तीन कैपेसिटर्स हैं और तीनों का चार्ज सेम है. अब क्या कांस्टेंट हो गया? अब क्या कांस्टेंट हो गया? चार्ज कांस्टेंट हो गया. तो जब चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C. हम कह रहे हैं चार्ज कांस्टेंट हो गया, इसका क्या मतलब निकला? यस, इक्वेशन से पूछिए, इसका मतलब ये निकला कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, कि अब वोल्टेज डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस पर, वोल्टेज विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस. ये कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक आइडिया है आने वाली तीन चार क्लासों का जो हम पढ़ने जा रहे हैं. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. ये एक दफा दिमाग में बैठा लें तो फिर बाकी सारी डेरिवेशन आपके अपने हाथ में है. मैं दोबारा बताता हूं, मेन इक्वेशन है ट्राइंगल Q इज इक्वल टू CV. ये इक्वेशन तीन शक्लों में पढ़ सकते हैं. अकेले कैपेसिटर की सूरत में पहले पढ़ी थी, जब अकेला कैपेसिटर है, सिंगल कैपेसिटर है, आइसोलेटेड कैपेसिटर है, तो C कॉन्स्टेंट है. अब हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन की. जब कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो दो या तीन या चार या पांच कैपेसिटर्स हैं, तो मल्टीपल कैपेसिटर्स हैं, तो अब C कांस्टेंट नहीं है, अब सबकी कैपेसिटेंस अलग अलग है. तो अगर कैपेसिटेंस अलग अलग है तो दो ऑप्शंस पे बात कर रहे हैं. अगर सबका V सेम है तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, और अगर सबका Q सेम हो तो फिर V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C. ठीक है, ये है बेसिक कहानी और इस पे हम पूरी डेरिवेशन आगे की समझेंगे. मैं आपके सामने दो डायग्राम्स बना रहा हूं, आप मुझे देख के बताएंगे कौन सा सीरीज है, कौन सा पैरेलल है. तो मैंने आपके सामने दो कॉम्बिनेशंस बनाए कैपेसिटर्स के, दोनों में चार चार कैपेसिटर्स हैं और एक बैटरी है. तो कॉम्बिनेशन ए और कॉम्बिनेशन बी, तो विच वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन, ए या बी?
एंड विच वन इज पैरेलल? जाहिर है अगर वो ए को आपने सीरीज का है तो बी को आपने पैरेलल का है, तो आप कह रहे हैं कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और आप कह रहे हैं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, राइट? नो, मेजॉरिटी इज सेइंग दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. मेजॉरिटी इज राइट, यस दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो डिसएग्री कर रहा है तो वो अपना पॉइंट बता सकता है कि वो क्यों डिसएग्री कर रहा है. अच्छा, अब बात करेंगे कि सीरीज को सीरीज क्यों कहते हैं और पैरेलल को पैरेलल क्यों कहते हैं. जब हम इस पे बात कर लेंगे तो आइंदा लाइफ में अगर कोई पूछेगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि सीरीज कौन सा है पैरेलल कौन सा है, क्योंकि सीरीज और पैरेलल को शक्ल देख के नहीं पहचानते, उसका कॉन्सेप्ट होता है. तो सीरीज को सीरीज क्यों कहते हैं ये जब अगली क्लास में हम सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे उस वक्त बताएंगे, लेकिन अभी हम बात करना चाहते हैं कि पैरेलल को पैरेलल क्यों कहते हैं. ये देखिए, ये डायग्राम है पैरेलल कॉम्बिनेशन. इस डायग्राम में क्या खास बात है, व्हाई डू वी कॉल इट पैरेलल? चार कैपेसिटर्स हैं, देखिए यहां भी चार है, C1 C2 C3 C4 और ये बैटरी है. यहां भी चार है, C1 C2 C3 C4 और ये बैटरी. फर्क देखिए गौर से, क्या फर्क नजर आ रहा है, व्हाई डू वी कॉल इट पैरेलल, इसे हम पैरेलल क्यों कहें, कौन बताए? इसे पैरेलल कहने का कोई सॉलिड रीजन चाहिए, कौन बता सकता है? इस दफा की बारिशों में सुना है लोगों की कैमरे ले गई, बारिश आई थी तो जो वेब कैम था ना बच्चों का, तो वो बाकी सब चीजें छोड़ गई, वेब कैम साथ ले गई बारिश. वो सारे फैसल पे नाले में देखिएगा कैमरे मिलेंगे बहुत सारे आपको, वो हमारे इन स्टूडेंट्स के कैमरे हैं जो नजर नहीं आ रहे, सिर्फ उनका नाम लिखा हुआ रहा है, सीरत जमाल, एमन आगा, निमरा आरिफ, खाली नाम लिखा हुआ है. जी आमना खान, सीरीज डायरेक्टली कनेक्टेड है और जो दूसरा वाला है वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है. सीरीज डायरेक्टली कनेक्टेड है, डिफरेंस है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है. पैरेलल को पैरेलल क्यों कहते सर, मैं डिफरेंस बता रही हूं. पैरेलल क्यों कहते हैं? आई डोंट नो, इसको डायरेक्ट कहते हैं, इनडायरेक्ट कहते हैं, पैरेलल क्यों कहते हैं? सोचिए सोचिए जनाब. अच्छा, दो लोगों के कैमरे मिल गए, उन्होंने जल्दी से खोल लिए, बाकियों के भी नाले में बह गए, वो लेके आएंगे वापस. अरे कंप्यूटर रह गया, बच्चे भी रह गए, वो नहीं गए नाले में, ओ कुछ और लोग के भी कैमरे मिल रहे हैं, खुलते जा रहे हैं. शाबाश शाबाश जी. कौन बताएगा इसे पैरेलल क्यों कहते हैं, ये बताना जरूरी है. व्हाई डू वी कॉल इट पैरेलल, क्या क्योंकि ये सारे एक दूसरे से क्या लग रहे हैं देखने में, देख क्या है एक दूसरे के, देखने में पैरेलल लग रहे हैं ना, एक लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन चौथी लाइन है ना, लेकिन ये रीजन नहीं है पैरेलल कहने का, इसको आप किसी भी तरह ड्रॉ कर सकते हैं, जरूरी नहीं ऐसे ड्रॉ करें. असल बात क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों कहते हैं, व्हाई आर दे कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन. कभी आप लोग बस में बैठे, मिनी बस में या वैन में बैठे, स्कूल वैन में, अच्छा नहीं जो ज्यादा भरकर होंगे, हवाई जहाज में बैठे हैं, एमिरेट्स एयरलाइन में बैठे हैं, तो जो जहां बैठा है उस हिसाब से बात कर रहा हूं मैं. मिनी बस में बैठे तो भी समझ आ जाएगा, एमिरेट्स एयरलाइन में बैठे तो भी समझ आ जाएगा, वैन में बैठे तो भी समझ आ जाएगा. अक्सर बच्चों की आपस में लड़ाई होती है सीट पर, वो कहते नहीं मैंने इस कोने वाली सीट पर बैठना है, या एमिरेट्स एयरलाइन में बैठेंगे तो मुझे विंडो सीट पे बैठना है, या मुझे आई वाली सीट पे बैठना है, होती है ना लड़ाई. तो ये जो विंडो सीट और आई सीट्स की लड़ाई होती है, तो ये बताती है कि सारी सीटें एक जैसी नहीं है, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, सब में अलग अलग रिस्पॉन्स है. किसी को ठंडी हवा डायरेक्ट खिड़की से आएगी,
किसी को बाहर का डायरेक्ट व्यू आएगा, किसी को एयर होस्टेस से खाना डायरेक्ट मिलेगा। तो सबके सबके फायदे अलग अलग हैं, तो सबको अलग किस्म की सीटें पसंद आती हैं। ठीक है, आइए इधर देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे भी सीटों का गेम है, सारा सारा झगड़ा सीटों का है। ये है बैटरी, मेन सप्लाई, मेन सोर्स, जहां से सब कुछ मिलना है। तो जब बैटरी पैरेलल कॉम्बिनेशन वो होता है जिसमें हर कैपेसिटर की दोनों प्लेटें डायरेक्ट, कैपेसिटर की दोनों प्लेटें डायरेक्ट बैटरी से जुड़ जाती, हर कैपेसिटर की दोनों प्लेटें बैटरी तक एक्सेस रखती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हर कैपेसिटर के साथ एक जैसा बर्ताव हो रहा है। एवरी कैपेसिटर इज गेटिंग अ विंडो सीट, एवरी कैपेसिटर इज गेटिंग द सेम ट्रीटमेंट। So since they are all getting equal treatment, they are being treated parallel. Unka treatment parallel ho raha hai. They are getting equal and parallel treatment. Isliye is combination ko kehte hain parallel combination. Aur yahan pe kya ho raha hai? Yahan par dekhiye C1, C2, C3, C4. Kya charon ko window seat mili? Nahi. यहां पर कुछ कोई कैपेसिटर है जिसका बैटरी से डायरेक्ट ताल्लुक है और कुछ कैपेसिटर हैं जिनका बैटरी से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। तो यहां पे पैरेलल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। हियर द ट्रीटमेंट इज नॉट पैरेलल। यहां पे इंसाफ नहीं हो रहा, यहां पे यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, इसलिए ये पैरेलल नहीं है। और यहां हर कैपेसिटर को इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है बैटरी से, इक्वल कनेक्शन मिल रहा है, डायरेक्ट एक्सेस मिल रहा है बैटरी से, लिहाजा ये पैरेलल ट्रीटमेंट कहलाता है। लिहाजा इस कॉम्बिनेशन का नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन वो है जिसमें हर कैपेसिटर को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, सेम ट्रीटमेंट मिले, सेम पॉइंट से जोड़ा जाए। तो जिसमें हर कैपेसिटर सेम पॉइंट से जोड़ा जाए, ऐसा कॉम्बिनेशन कहलाता है क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो व्हाई इज इट कॉल्ड पैरेलल? बिकॉज इट गेट्स इक्वल ट्रीटमेंट फ्रॉम द बैटरी। एवरी कैपेसिटर गेट्स इक्वल ट्रीटमेंट फ्रॉम द बैटरी, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। और बैटरी से डायरेक्ट कनेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा? अगर आपको याद हो तो आपको एक पॉइंट बताया था मैंने कि जब एक कैपेसिटर को बैटरी से डायरेक्ट जोड़ते हैं तो बैटरी इस तरह चार्ज प्रोवाइड करती है। बैटरी उस वक्त तक चार्ज प्रोवाइड करती रहती है कि जब तक कि जो इसका वो होगा वही इसका वो होगा, जो इसका वो होगा वही इसका वो होगा। क्या क्या सेम ना हो, जब तक के जो पोटेंशियल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का हो वही पोटेंशियल कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट का हो, और जो पोटेंशियल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल का हो वही पोटेंशियल कैपेसिटर की दूसरी प्लेट का ना हो। और जब दोनों का इनका इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो जो वोल्टेज यहां होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा। कहानी समझ आ रही है? ये सीखा था ना हमने कि जब बैटरी चार्ज देती है कैपेसिटर को तो इस तरह देती है कि जो वोल्टेज बैटरी का होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर की प्लेट्स का होता है। तो अब इलाफ शायद गौर से सुनिए, इधर देखिए, जब ये चारों कैपेसिटर डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड होंगे और डायरेक्ट बैटरी से चार्ज लेंगे तो बैटरी जब चार्ज देती है तो इस तरह देती है कि जो वोल्टेज यहां होगा वही वोल्टेज कैपेसिटर की प्लेट्स का होगा। तो जब पैरेलल जोड़ेंगे, पैरेलल का मतलब हर कैपेसिटर की दोनों प्लेटें बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड हुई हैं, लिहाजा जो वोल्टेज यहां होगा वही वोल्टेज यहां होगा, वही वोल्टेज यहां होगा, वही वोल्टेज यहां होगा और वही वोल्टेज यहां होगा। यानी कि सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, सारे कैपेसिटर्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। क्यों? क्योंकि चारों के चारों की दोनों प्लेटें डायरेक्ट बैटरी से जुड़ रही हैं और चारों कैपेसिटर्स की या तीनों कैपेसिटर्स की या दोनों कैपेसिटर्स की जितने भी कंबाइन हुए हैं, दोनों प्लेटें डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट हुई हैं और बैटरी का चार्ज प्रोवाइड करने का रूल ये है कि कीप्स ऑन प्रोवाइडिंग चार्जेस अनलेस व्हाट बिकम्स इक्वल, अनलेस द
पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स इक्वल, तो बैटरी का जो वोल्टेज होगा वो अपना वोल्टेज इसको भी अप्लाई करवाएगी, उसी का वोल्टेज जहां भी ट्रांसलेट होगा उसी का वोल्टेज जहां भी होगा और उसी का वोल्टेज जहां भी होगा, सो ऑल कैपेसिटर्स विल हैव द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के दो अहम बातें सामने आई, एक ये कि हर कैपेसिटर इक्वली ट्रीट होता है, बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, और इस वजह से दूसरी बात ये होती है कि हर कैपेसिटर का वो सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, और वो सेम होता है और किसके बराबर होता है, वोल्टेज ऑफ द बैटरी के। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले। Such a combination of capacitors in which each Each capacitor is connected across the same two points. Is called parallel combination. Such a combination of capacitors in which each capacitor is connected across the same two points is called parallel combination. The same potential difference occurs across each capacitor. The same potential difference occurs across each capacitor. Explanation. Consider three capacitors of capacitance C1, C2 and C3 consider three capacitors of capacitance C1, C2 and C3 connected in parallel. Consider three capacitors of capacitance C1, C2 and C3 connected in parallel. तो ये देखें, तीन capacitors हमने बनाए, capacitance है C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3। अब हम इस description, इस diagram को describe करेंगे, तो जो describe करेंगे वो आप लिखेंगे। हर capacitor की दो plates हैं, तो हर capacitor की एक left hand plate है और हर capacitor की एक right hand plate है, और हर कैपेसिटर की लेफ्ट हैंड प्लेट को डायरेक्टली जोड़ा किससे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और हर कैपेसिटर की राइट हैंड प्लेट को डायरेक्टली जोड़ा किससे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो यही अल्फाज में बयान कर दें तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। देखिए, लेफ्ट हैंड प्लेट्स ऑफ ऑल कैपेसिटर्स left-hand plates of all capacitors are connected to positive terminal of the battery while right-hand plates
while right hand plates are connected to negative terminal of the battery. While right hand plates are connected to negative terminal of the battery. Since each capacitor gets the charge directly from the battery, hence potential difference across each capacitor is same as potential difference across each capacitor is same and equal to voltage of the battery V and equal to voltage of the battery V. तो ये हमने क्या बोल दिया? तो बहुत अहम बात बोल दी हमने. इसके तो बड़े अहम कंसीक्वेंसेस होते हैं. हम क्या कह रहे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तीन कैपेसिटर्स, तीनों बैटरी से जुड़े हुए हैं, तीनों का वो सेम है. क्या पोटेंशियल डिफरेंस? बैटरी का वोल्टेज V है तो C1 का कितना होगा? V. और C2 का कितना होगा? V. और C3 का कितना होगा? V. और हमारा एक ट्राइंगल है जो हमें याद रखना है, वो क्या बताता है हमें? Q इज इक्वल टू CV. तो हम क्या कह रहे हैं कि तीनों को क्या सेम है? पोटेंशियल डिफरेंस. तो जब तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो तो उसका क्या कंसीक्वेंसेस, क्या कंसीक्वेंसेस निकलते हैं इस इक्वेशन से? यस, ऑप्शन वन, तीनों का वी सेम है. तो जब तीनों का वी कांस्टेंट है तो आपका ऑप्शन वन बता रहा है कि क्यू इज क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर का वो सेम होता है क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर का वो सेम होता है क्या? चार्ज, कैपेसिटेंस, वोल्टेज, क्यू सी वी, हर कैपेसिटर का वो सेम होता है. चार्ज, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस. और जब हर कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो ऐसी कंडीशन में उसका चार्ज डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटेंस पे. ऐसी सूरत में Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये कहें कि C1 का चार्ज Q1 है और C2 का चार्ज Q2 है और C3 का चार्ज Q3 है. समझ आ रही है बात? हम क्या कह रहे हैं? एक की कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे की C2 है, तीसरे की C3 है. इन एक का वोल्टेज V1 है, दूसरे का V2 है, तीसरे का, पहले गर्दन हिला दिया, बाद में यूं कर रहा है, सोचे पहले बाद में गर्दन हिला है. एक का वोल्टेज V है, दूसरे का भी V है, तीसरे का भी V है, तीनों का वोल्टेज सेम है. तो फिर क्या अलग होगा? तीनों का चार्ज अलग होगा. तो C1 का चार्ज Q1, C2 का चार्ज Q2, C3 का चार्ज Q3. लिखिए, हेंस चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन इट्स कैपेसिटेंस. Hence, charge on each capacitor depends upon its capacitance. Hence, charge on each capacitor depends upon its capacitance. Suppose, क्या suppose? अब तीन sentence लिखेंगे तीन लाइनों में. Q1 is the charge on C1.
Q1 is the charge on C1. Q2 is the charge on C2. तीसरी लाइन Q3 is the charge on C3. Suppose Q1 is the charge on C1, Q2 is the charge on C2 and Q3 is the charge on C3. Then, तो देन क्या? देन क्या? क्या आप Q1 की इक्वेशन बता सकते हैं मुझे? Q1 फॉर्मूला है Q=CV, तो Q1 किसके बराबर होगा? Q1 किसकी कैपेसिटेंस, किसका चार्ज है, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है? C1. तो Q1 = क्या? C1V, क्योंकि वोल्टेज क्या है? सेम. Q2 = क्या? C2V, क्योंकि वोल्टेज क्या है? सेम. और Q3 = क्या? C3V. तो Q1 = C1V, Q2 = C2V एंड Q3 = C3. ठीक है, ये लिख लीजिए तीनों इक्वेशंस. देन Q1 = C1V, Q2 = C2V एंड Q3 = C3V. और इनको हम नंबर भी कर देंगे 1, 2 एंड 3. क्वेश्चन 1, 2 एंड 3. तो अब तक की कहानी क्या है? अब तक की कहानी ये है कि जब दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर हो तो उसे क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन. जब दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर हो एक बैटरी, उसे क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन. जब कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, दो तरह के बेसिक कॉम्बिनेशन दो तरह के होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल. पैरेलल को पैरेलल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर कैपेसिटर डायरेक्टली कनेक्टेड है सोर्स से, बैटरी से, लिहाजा हर कैपेसिटर को इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, पैरेलल ट्रीटमेंट मिल रहा है. और जब वो डायरेक्टली कनेक्टेड है तो सबका वो सेम है. क्या? पोटेंशियल डिफरेंस. क्योंकि बैटरी जब चार्ज देती है तो उसका रूल ये है कि वो उस तरह चार्ज देती है कि जब तक के उसका क्या सेम ना हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर का वी सेम होगा, जब वी सेम होगा तो सबका क्यू अलग होगा और डिपेंड करेगा सी पर. तो Q1 = C1V, Q2 = C2V एंड Q3 = C3V. और अब कहानी का आता है असल मोड. लिखिए, लेट द कॉम्बिनेशन बी रिप्लेस्ड बाय its equivalent capacitor. Let the combination be replaced by its equivalent capacitor. Equivalent capacitor क्या होता है? हम कह रहे हैं ये combination हटा दे, इसकी जगह एक equivalent लगा दे. What is an equivalent capacitor? What is an equivalent capacitor? कौन बताएगा? What is an equivalent capacitor? Equivalent capacitor किसे कहते हैं? जी सर, कुछ बच्चों ने रेज हैंड किया. Sir, equivalent capacitor is the capacitor which is equal to sum of individual capacitors. Not always. What is an equivalent capacitor? कोई और बताए. ये definition मुनासिब नहीं है, not appropriate. What is an equivalent capacitor? इन्होंने कहा जो सम ऑफ ऑल कैपेसिटर्स होता है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है. नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता. कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा नहीं भी. जी, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटर? कोई तो बताए. सर, सम है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. जोर से बोले, शाबाश.
capacitor which is having equal capacitance. और कोई बताए नायलन नितिन क्या कह रही है? Sum of all the capacitors that are connected to the battery. Sum of all the capacitors तो उन्होंने भी बोला था, लेकिन मैं कह रहा हूँ sum of all the capacitors not always the answer. But sir, जो connected to battery से सिर्फ वही. नहीं, मोहम्मद अली आयान. हमजा मलिक कहाँ है? हमजा मलिक भी नजर नहीं आ रहे. मोहम्मद अली आयान जी, सेकंड आया ना? क्यों आए सेकंड? अब जवाब दे, शाबाश. अनम्यूट तो करें खुद को पहले. हाँ जी इशार. जिसका सम बराबर हो, यानी कि जवाब ऐसा ना कहें, ये बाकी लोग जवाब ही नहीं देंगे, क्योंकि हम क्या करें जब 90% वाले को नहीं आता, हम भी नहीं बताएंगे, सब खुश हो जाएंगे. हैं देखिए सुनिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटर, लव्ज इक्विवेलेंट पे गौर कीजिए. पहली बात तो ये कि इक्वल नहीं कहा, इक्विवेलेंट कहा है. इक्विवेलेंट कैपेसिटर वो कैपेसिटर होता है जो वही काम करता है जो सारा कॉम्बिनेशन मिलकर करे, जो काम पूरा कॉम्बिनेशन मिलकर करे. अगर कोई कैपेसिटर अकेले में वही काम कर ले तो आप कहते हैं ये सबका इक्विवेलेंट है. मसलन आपकी क्लास में फॉर एग्जाम्पल, अभी तो सेंटर बंद है, जब सेंटर खुलेगा तो मिसाल के तौर पर फर्स्ट क्लास में हम कहते हैं कि जी हम आज गुलाब जामुन बांटेंगे, ठीक है, मिसाल के तौर पर. अच्छा नहीं, गुलाब जामुन नहीं पसंद, चले डंकिन डोनट बांटेंगे, डोनट्स खिलाएंगे चॉकलेट के. तो अगर एक स्टूडेंट जो है उस दिन क्लास में स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, डोनट हासिल कर रहे हैं, सब स्टूडेंट नाम है डोनट हासिल करना. तो एक स्टूडेंट है वो दो डोनट लेता है, दो डोनट खाता है, दूसरा तीन खाता है, तीसरा पांच खाता है, और फिर एक स्टूडेंट आता है वो दस डोनट एक साथ खा लेता है. तो हम कहेंगे कि इसने वही काम किया जो इन तीनों डोनट तीनों ने मिलके किया. इस एक स्टूडेंट ने वही काम किया जो तीनों ने मिलकर किया, एक ने दो खाए थे, उसने तीन खाए थे, तीसरे ने पांच खाए थे, टोटल हो गए दस, और एक आया उसने सारे डोनट दस के दस अकेले खा लिए. तो आप कहेंगे दिस स्टूडेंट इज द इक्विवेलेंट ऑफ दीज थ्री स्टूडेंट्स, ठीक है. इसी तरीके से इक्विवेलेंट कैपेसिटर वो होता है जो बैटरी से, कैपेसिटर का काम क्या है, बैटरी से डोनट हासिल करना नहीं, बैटरी से क्या हासिल करते हैं, चार्ज हासिल करना. कैपेसिटर इज ऑब्टेनिंग चार्ज फ्रॉम द बैटरी. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर वो होगा जो अकेले में बैटरी से उतना चार्ज ले ले जितना तीनों ने मिलकर हासिल किया. इक्विवेलेंट कैपेसिटर वो होगा जो उतना ही काम करे जितना तीनों ने मिलकर किया. व्हाट इज द काम ऑफ अ कैपेसिटर? द काम ऑफ अ कैपेसिटर इज टू ऑब्टेन द चार्ज फ्रॉम द बैटरी. तो वो कैपेसिटर जो अकेले में बैटरी से उतना ही चार्ज ले ले जितना तीनों ने मिलकर लिया, देन दैट इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंट, वो कहलाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटर. तो कैपेसिटेंस इक्वल होगी नहीं होगी, ये सब बात की बातें हैं. मेन डेफिनेशन ये है, व्हाई इज इट इक्विवेलेंट? इट इज डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ वर्क दैट ऑल थ्री आर डूइंग टुगेदर. व्हाट इज द वर्क? दे आर ऑब्टेनिंग द चार्ज फ्रॉम द बैटरी. सो व्हाटएवर चार्ज इज ऑब्टेन्ड बाय ऑल द कॉम्बिनेशन, इफ वन कैपेसिटर डज इट ऑल अलोन, दैट कैपेसिटर इज द इक्विवेलेंट ऑफ द होल कॉम्बिनेशन, ठीक है. तो डेफिनेशन लिखिए पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटर की. The capacitor which obtains the same amount of charge, the capacitor which obtains the same amount of charge from the battery the capacitor which obtains the same amount of charge from the battery as obtained by
as obtained by the whole combination of capacitors, as obtained by whole combination of capacitors, is called equivalent capacitor of the combination. Is called equivalent capacitor of the combination. क्या लिखा आपने? The capacitor which obtains the same amount of charge from the battery as obtained by the whole combination of capacitors is called equivalent capacitor of the combination. डेफिनेशन समझ आ गई? दोबारा पढ़िए सर. डोनर्स की मिसाल समझ आ गई? तो कौन इक्विवेलेंट कैपेसिटर कौन बनेगा डोनर्स का? कौन पूरे 10 डोनर्स लेगा? अभी तो अब सबके हाथ उठ रहे हैं. गुड. तो अब मैं एक सेंटेंस लिखवाऊंगा, उसकी इक्वेशन आपको लिखनी होगी. ये डेफिनेशन दोबारा पढ़ लिया आपने. अब मैं एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, उसकी इक्वेशन आप लिखेंगे. इफ क्यू इज द चार्ज, इफ क्यू इज द चार्ज ऑन इक्विवेलेंट कैपेसिटर कैपिटल क्यू, if q is the charge on equivalent capacitor, then तो अगर equivalent capacitor के charge को capital q से जाहिर करें, तो जो definition आपने लिखी है उसके मुताबिक आप एक equation बना सकते हैं. जरा देखिए कौन सही बनाता है. Then Q is equal to क्या? Then Q is equal to क्या? Very good, सही बता रहे हैं. Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. जितना चार्ज पूरे कॉम्बिनेशन ने हासिल किया, वही चार्ज अकेले में जो हासिल कर ले उसे कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर. तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. लिख लीजिए Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. प्लेसिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 एंड 3, प्लेसिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 3. तो आपने जो अभी इक्वेशन लिखी है इसमें Q1 और Q2 और Q3 की वैल्यूज ऊपर मौजूद हैं, तो वहां से कॉपी करना होगा. Q1 की वैल्यू लिखिए, Q2 की वैल्यू लिखिए और Q3 की वैल्यू लिखिए. ठीक है, तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V. कुछ आ रहा है कॉमन क्या? V कॉमन आ जाएगा. तो Q इज इक्वल टू V और ब्रैकेट में लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4. इफ CE, if CE is the capacitance of equivalent capacitor, if CE is the capacitance of equivalent capacitor, sahi, if CE is the capacitance of equivalent capacitor, acha equivalent capacitor ka charge kitna hai Q? कैपेसिटेंस कितनी है? सीई.
वोल्टेज कितना होगा, बैटरी से कम होगा या बैटरी से ज्यादा होगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटर का वोल्टेज बैटरी से कम होगा या ज्यादा होगा या बराबर होगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटर का वोल्टेज बैटरी से कम होगा या ज्यादा होगा या बराबर होगा? वेरी गुड, एक्सेलेंट। क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटर की दोनों प्लेटें डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड हैं, तो यहां पर भी वही रूल अप्लाई होगा कि बैटरीज को उस वक्त तक चार्ज देगी जब तक के दोनों का वो सेम ना हो जाए, क्या पोटेंशियल डिफरेंस। लिहाजा जो वोल्टेज बैटरी का होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटर का होगा। तो अगर इसकी कैपेसिटेंसी ई है और इसका चार्ज क्यू है और इसका वोल्टेज वी है, तो हमारी इक्वेशन हमें बताती है कि क्यू इज इक्वल टू सी ई इंटू वी। सही, क्यू इज इक्वल टू सी ई इंटू वी। ठीक है, आपने अभी भी लिखा था क्या, इफ सी ई इज द कैपेसिटेंस ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर देन क्या, देन ये इक्वेशन क्यू इज इक्वल टू सी ई वी। Placing this value in equation 4. Placing this value in equation 4. तो इस वैल्यू को जब आप इक्वेशन नंबर 4 में प्लेस करेंगे, यानी कि आप लिखेंगे Q की जगह लिखेंगे CEV is equal to V और ब्रैकेट में C1 plus C2 plus C3. तो क्या कैंसिल जनाब, वी कैंसिल और बाकी बचता है क्या, सीई इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। सीई इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। सही, और इस इक्वेशन को अल्फाज में पढ़ना है, ये क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे। ये था कैपेसिटेंस ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर, शॉर्ट फॉर्म में बोला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स को शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। ये क्या है, इज इक्वल टू, ये क्या है, सम ऑफ, कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल, तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ, इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। वेरी गुड, लिख लीजिए अब, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। ठीक है,
पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ आया? ओके, तो कल की क्लास में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन क्लास में ही याद करने का तरीका यह है कि आप पैरेलल कॉम्बिनेशन आज याद कर लें। तो अगर आप आज पैरेलल कॉम्बिनेशन याद करके आएंगे तो इंशाल्लाह सीरीज कॉम्बिनेशन आपको क्लास में ही याद करा दिया, ठीक है? समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, एक टिकट में दो फायदे होंगे आपको एक साथ। और दुआ यूसुफ के छोटे भाई साथ पढ़ रहे हैं, इनका नाम भी लिख दे रजिस्टर में, मिस सायरा, इनकी फीस भी कल से शामिल की जाएगी। ये जो बेचारे को गंजा क्यों कराया आपने मासूम को, या मार मार के गंजा कर दिया? अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।